होंडा अब CL500 के साथ 2023 में रेस में A2 क्लास स्क्रैम्बलर भी भेज रही है। होंडा के अन्य 500 एस में क्या अंतर है और CL500 को क्या अलग बनाता है? तंजा और डाइटमार ने नवागंतुक के साथ एक दौरा किया है और यहां उनके छापों का वर्णन किया है। होंडा CL500 पहले से ही पांचवी मशीन है जिसे होंडा 471 सीसी इनलाइन ट्विन से लैस करता है। CB500F नग्न बाइक के अलावा CMX500 रिबेल क्रूजर, CBR500R स्पोर्ट्स कार और CB500X एडवेंचर बाइक और अब एक स्क्रैम्बलर भी है। CL500 न केवल इस लाइनअप में सबसे कम उम्र की बाइक है बल्कि 6400 यूरो हस्तांतरण के बिना में सबसे सस्ती मशीन भी है। वे चार रंगों में आते हैं, काला, नारंगी, हरा और नीला। सीट की ऊंचाई कम 790 मिमी है। यह छोटे पायलटों को सुरक्षित रूप से खड़े होने में भी सक्षम बनाता है। CL500 का वजन केवल 191 किलोग्राम है और इसे चलाना बेहद आसान है। विशेष रूप से A2 शुरुआती लोगों को इस पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि एक मोटरसाइकिल जो बहुत भारी है वह अक्सर एक उपद्रव है, खासकर शुरुआती लोगों के लिए। आप सीधे बैठते हैं, जैसा कि स्क्रैम्बलर के लिए विशिष्ट है, उच्च माउंटेड और चौड़े हैंडलबार सवार के हाथों में गिर जाते हैं जैसे कि अपने आप में। पीछे की सीट बहुत ऊंची होती है इसलिए पीछे बैठने वाले यात्री के पास, जैसा कि अक्सर इस प्रकार की मोटरसाइकिल के साथ होता है, घुटने लगभग कानों के बीच होते हैं। तो आप दोनों शायद ही कभी इस बाइक के साथ क्षेत्र के माध्यम से हल करना चाहेंगे। जब तकनीकी उपकरणों की बात आती है तो CL500 आवश्यक चीजों तक सीमित है। केवल दो चैनल ABS है, ड्राइविंग मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ मोबाइल फोन या अन्य ट्यूबलेट गायब हैं। इसे एक नुकसान के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन शुद्धतावादी इसका मुकाबला करेंगे कि आप यहां मोटरसाइकिल की सवारी पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हमारी राय में डिस्प्ले बहुत अंधेरा है। आखिरकार यह गियर और ईंधन स्तर दिखाता है और होंडा ने एक छोटा ऑनबोर्ड कंप्यूटर भी एकीकृत किया है जिसे कॉकपिट पर एक बटन के साथ झुकाया जा सकता है। प्रकाश व्यवस्था फिर से एक अच्छा प्रभाव डालती है। चारों ओर LED और CL500 होंडा ने फिर से ESS आपातकालीन ब्रेकिंग सिग्नल स्थापित किया है। मजबूत मंदी की स्थिति में टर्न सिग्नल स्वचालित रूप से चमकने लगते हैं, जिससे एक या दूसरे रियर एंड टकराव को रोकना चाहिए। पार्श्व रूप से उठाया गया साइलेंसर, जिसे गर्मी संरक्षण के रूप में स्टेनलेस स्टील कवर के साथ प्रदान किया जाता है, बहुत सफल है और यह वास्तव में बहुत अच्छी तरह से काम करता है, इसलिए यात्री को जले हुए दाहिने पैर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। CL500 की आवाज मनभावन है और बहुत कर्कश नहीं है। ध्वनि चेक टॉप दाईं ओर स्थिर शोर 89 dBA है जो पड़ोसियों और गांव के मार्ग के साथ संगत है। CL500 का इंजन CB500F की तुलना में लगभग अपरिवर्तित है। यहां भी 8500 RPM पर 47 HP और 6000 RPM पर 43.4 NN शुरू में है। यह स्क्रैम्बलर को एक लड़ने वाला सुअर नहीं बनाता है, लेकिन आप अभी भी तेजी से प्रगति कर सकते हैं। गियरबॉक्स आसानी से बदल जाता है और निष्क्रिय लगभग आत्मनिर्भर होता है। आप बता सकते हैं कि बाइक CB500F पर आधारित है। यह किसी भी बड़ी विचित्रता के बिना एक बहुत ही परिपक्व मशीन है। फुटरेस्ट को छोड़कर, जो कम से कम तंजा लगातार रास्ते में थे, तथ्य यह है कि लीवर समायोज्य नहीं है, समझ से बाहर है। क्या यह वास्तव में महंगा है होंडा? लेकिन आप अपने प्रिय को थोड़ा अपग्रेड करने में सक्षम होना चाहते हैं। ब्रेक केवल कागज पर खराब हैं, व्यवहार में
निसिन स्टॉपर को CA500 के कम वजन के साथ कोई समस्या नहीं है। होंडा का चेसिस स्टीरियो स्ट्रट्स के स्प्रिंग प्रीलोड को छोड़कर समायोज्य नहीं है। इस कीमत पर कौन आश्चर्यचकित है। पारंपरिक टेलीस्कोपिक कांटा नरम होता है और गहरी गोता लगाना पसंद करता है, लेकिन यह सवारी करने के लिए भी बहुत आरामदायक है और ईमानदारी से 47 HP के साथ आपको बस एक स्पोर्टी तना हुआ रिबाउंड और संपीड़न समायोज्य निलंबन की आवश्यकता नहीं है, है ना? आप इस बाइक के साथ लैप रिकॉर्ड स्थापित नहीं करना चाहेंगे, यह वह नहीं है जिसके लिए इसका मतलब है। होंडा के सामान की दुकान में 3 उपकरण पैकेज हैं, जो मशीन को नेत्रहीन और कार्यात्मक रूप से पूरक करते हैं। हमारी राय में हालांकि वास्तव में बहुत कुछ नहीं है जिसे रेट्रोफिट करने की आवश्यकता है, शायद गर्म पकड़ और शानदार और समायोज्य लीवर को छोड़कर। यदि आप चाहते हैं कि आपकी होंडा CL500 थोड़ी खुरदरी दिखे, तो आपको मिशेलिन अनाकी टायर के बारे में सोचना चाहिए, जो स्क्रैम्बलर लुक को और भी अधिक रेखांकित करेगा। होंडा CL500 पर वारंटी 2 साल है, जैसा कि होंडा के लिए प्रथागत है। हर 12,000 किलोमीटर पर बाइक की सर्विस इन या साल में एक बार करानी पड़ती है। केवल हम कल्पना कर सकते हैं कि फैंटिक कैबलेरो स्क्रैम्बलर 500, बेनेली लियोनसिनो 500 और रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 हैं। ये 2 वर्ग में स्क्रैम्बलर अभी भी दुर्लभ हैं। होंडा CL500 एक आसान सवारी और बहुत सुलभ बाइक है, जिसे सवारी करने में बहुत मजा आता है। यह बस सुसज्जित है, ड्राइवर के लिए कोई पहेली पैदा नहीं करता है और बहुत अच्छी तरह से काम करता है। हमेशा की तरह ये 2 बाइक के साथ आपको किसी भी प्रदर्शन चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। CL500 एक इत्मीनान से बाइक है, जिसके साथ आप जानबूझकर हर किलोमीटर का आनंद लेते हैं। Eins, los geht's. 50, 60, 70, 80, 90, 100. 3, 2, 1, los geht's. 70, 80, 90, 100. Okay, das hat ein bisschen länger gedauert.